अभी वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें कर सकता है या अब बहुत इब्तदाई स्टेज पे तो वो अपने फ़ायदे को सिर्फ ये देखता है कि मुझे प्लेयर किसमें से मिल रहा है खुशी किसमें से मिल रही है और मेरा फायदा किस में है और कहीं मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं मिल रही अ डीप प्रोफाउंड अटैचमेंट टू पेरेंट्स एम्पथी टू सिग्निफिकेंट अजर्स ओबीडियंस अथॉरिटीज एंड पेट लाइक बिहेवियर देखिए वो ये चाहता है कि जो मेरी अथॉरिटीज़ हैं वो जिस चीज़ से मना करेंगे वो मेरे लिए बुरी है और जिस चीज़ पे कोई मुझे रिवॉर्ड देंगे पसंद करेंगे वो मेरे लिए अच्छी है तो जैसे पेट का बिहेवियर नहीं होता कि आप उसको प्यार करेंगे वो उसको करीब बुलाएंगे वो जो उसको कहेंगे वो करेगा मतलब स्टिक की मदद से आप कर रहे हो या खाने की मदद से आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो लाइक वाइज छोटे बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करते हैं अभी उनका कोई अपना ऐसी जहनी नशो वनुमा नहीं है जिसमें वो बाद के आने वाले फ़ायदों को या अखलाकियात की अहमियत को समझ सकें अभी वो सिर्फ अथॉरिटी को ही समझ सकते हैं फिर हम ये देखते हैं कि इमोशन थिंकिंग एंड बिहेवियर आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी एंड नैरो एंड लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ तो अब उनकी जो अच्छाई बुराई है वो कौन कंट्रोल करता है उनकी अथॉरिटी और वो माँ बाप हो सकते हैं वो कोई केयर गिवर हो सकता है उस्ताद हो सकता है वो अभी यही समझते हैं कि जो दूसरे कह रहे हैं जिसको अच्छा वो अच्छा है और जिसको दूसरे बुरा कह रहे हैं वो बुरा है अपना उनका अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जबकि जब हम स्टेज दूसरी और तीसरी स्टेज में तो जैसा हमने अर्ज़ किया यहाँ अब हमारा दायरा कार थोड़ा सा बढ़ता है एक तो हमें यह पता चलता है कि दूसरा दूसरों का फायदा करने में फ़ायदा है और इसलिए हम फिर अपने सर्कल्स बनाते हैं अपने ग्रुप बनाते हैं और फिर वो ग्रुप हमारे फ्रेंड्स के हो सकते हैं पेरेंट्स के हो सकते हैं और माशरे में इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं सो पीपल एम्फसाइज द बिलोंगिंगनेस नीड्स प्राइमरी ग्रुप और ग्रुप आइडेंटिटी एंड एक्सपेक्टेशंस देखिए उनको दूसरों से भी उतनी ही तवक्को है जितना वे उनके लिए करते हैं और यहीं से उनकी आइडेंटिटी डेवलप होती है वो कौन है ठीक है अब बच्चे को पूछेंगे आपकी वालदा का क्या नाम है आपके वालिद का क्या नाम है कहाँ रहते हो कौन से स्कूल में पढ़ते हो किसके बेटे हो तो उनको ये अपनी आइडेंटिटी फील होती है सेंट्रल थीम कंसर्न्स द प्राइमरी ग्रुप और यहाँ पे हमारी सारी अच्छाई बुराई हमारे अपने ग्रुप के लिए है हम किसी का फ़ायदा करेंगे कोई कुर्बानी देंगे या अपने मफादात पर किसी को तरजीह देंगे तो अपने ग्रुप को ही देंगे पीपल हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू ग्रेटिफाई देयर बिलोंगिंगनेस नीड्स टू अ प्राइमरी ग्रुप अब देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये हम सब की जरूरत है हम एडल्ट हों हम छोटे बच्चे हों हम यंगस्टर्स हों टीन एजर्स हों सब को कहीं ना कहीं बिलोंगिंगस की ग्रुप की ज़रूरत है क्योंकि ह्यूमन beings आर सोशल beings तो सोशल beings हमेशा एक दायरे में होते हैं वो लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको लोग एक्सेप्ट करें और वो लोगों को एक्सेप्ट करें तो अपनी एक उनकी सेल्फ इस्टीम बनती है उनकी जान पहचान बनती है और वो जान पहचान उनके अपने ग्रुप से ही शुरू होती है हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी है पाकिस्तानी एट लार्ज पूरी कॉम हमारा एक ग्रुप है और हम चाहते हैं कि अपने ग्रुप का फायदा ज़्यादा करें बनस्बत दूसरों की किसी कॉम का या किसी ग्रुप का सो सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रुप्स एट ग्रेट कॉस्ट तो अगर हमें अपने ग्रुप के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो चूंकि हमारी बिलोंगिंगनेस स्ट्रांग है जितनी हमारी ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा हम बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया फिर हमारी तो भी तो आखिर एक दूसरे से ज़्यादा हैं इसलिए ग्रुप के मेंबरान जितने ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़ायदा मंद होंगे एक दूसरे का भला देखेंगे एक दूसरे के साथ ऑल टूरिज़म कर रहे होंगे उतना ज़्यादा उस ग्रुप की आइडेंटिटी बनेगी जैसे सारे पाकिस्तानी अगर एक हो जाए मतहद हो जाए एक दूसरे का भला करें एक दूसरे को नुकसान से बचाएं और लॉर्डर ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो लोग करीब आए अमन से रहें तो हमारी कौम ज़्यादा मजबूत हो सकती है और लोग अपनी कॉम के लिए ज़्यादा बेहतर सेक्रीफाइस कर सकते हैं लेकिन अगर इसमें किसी इंडिविजुअल को किसी एक इंफरादी किरदार को कोई तकलीफ पहुँचेगी तो वो हो सकता है बगावत पर उतरे सो इसलिए छोटे बच्चों को भी इसी तरह ग्रुप्स की और बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है अगर उनका ग्रुप उनका ध्यान कर रहा है उनकी केयर कर रहा है तो वो भी इक्वली केयरिंग होते हैं उनके लिए